नमस्कार, आप देख रहे हैं बहस का नंबर वन शो ताल ठोक के, और आपके साथ हूं मैं रूबिका अल्याक। ये क्या दिख रहा है आपको मेरे हाथ में? चाय। भारत को चाय पीने और पिलाने वालों का देश कहा जाता है। आप किसी के भी घर जाते हैं, सबसे पहले मेजबान आपसे चाय पीने की जिद करेगा। अरे चाय पीकर जाइए, अरे बैठिए, अभी दो मिनट में चाय बन जाएगी। घर के बाहर भी लोग चाय पीते और पिलाते हैं। देश के हर शहर हर गांव के नुक्कड़ पर आपको चाय वाले मिल जाएंगे। लेकिन क्या भारत में चाय वाला होना गुनाह है? क्या कोई चाय वाला देश का प्रधानमंत्री बन जाए तो उसे अपमानित किया जाना चाहिए? शायद ही कोई इन सवालों का जवाब हां में देगा, आप भी नहीं देंगे। लेकिन कांग्रेस की सोच शायद आम लोगों से अलग है, और यही वजह है कि बार बार कांग्रेस पीएम के चाय वाला होने की याद पूरे देश को दिलाती है, उनका मजाक उड़ाती है। 2014 के चुनाव से पहले मणिशंकर अय्यर को याद कीजिए, पीएम के चाय वाला होने का उन्होंने भी मजाक उड़ाया था। और अब यूथ कांग्रेस ने, अभी सिर्फ 10 दिन हुए हैं जब कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने गुजरात के बनासकांठा में, वहां बकायदा हिमाचल प्रदेश में भी जब रैली कर रहे थे, अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं से कहा था कि पीएम का अपमान नहीं करें, लेकिन इसके बावजूद पीएम के चाय वाला होने का मजाक उड़ाया गया। विवाद होने के बाद भले ही यूथ कांग्रेस ने अपना वो ट्वीट हटा दिया हो, यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष ने माफी मांग ली हो, लेकिन राहुल गांधी इस पर चुप है, खामोश है, पिन ड्रॉप साइलेंस। और इसीलिए आज ताल ठोक के पूछेंगे, चाय से बार बार क्यों जलती है कांग्रेस? पीएम के अपमान पर राहुल कब माफी मांगेंगे? क्या चाय के चक्कर में गुजरात भी गवाएगी कांग्रेस? सवाल तो ये भी कि चाय वाले पर कांग्रेस की चोट से बीजेपी को क्या वोट मिलेंगे, और क्या चाय वाला बन सकता है कांग्रेस अध्यक्ष, बताइए। लेकिन ताल ठोक के बहस की शुरुआत करें उससे पहले एक छोटी सी रिपोर्ट आप देख लीजिए। ये देश कितना महान है, यहां के लोग कितने महान हैं। रेल के डिब्बे में चाय बेचने वाले बच्चे को अपने कंधे पर उठा लिया, एक प्रकार से चाय का ठेला हो, कहीं रेकड़ी हो, वहां लोगों का आना जाना होता है। लेकिन विशेषता ये है कि एक प्रकार से ये फुटपाथ पार्लियामेंट होती है। कि युवा देश जो ट्विटर हैंडल है उसको यूथ कांग्रेस नहीं चलाती, यूथ वॉलंटियर्स चलाते हैं। बिल्कुल इस तरीके की शब्दावली के लिए जो भी इस्तेमाल किया गया है, मैं उसकी निंदा करता हूं और उसके लिए माफी मांगता हूं। तो गुजरातियों का और गुजरात का अपमान करना कांग्रेस के लिए नई बात नहीं है। तो मात्र इतना ही कहना है कि चाय वाले का ताना वो देते रहे, क्योंकि वो वंशवाद में लिप्त हैं, और प्रधानमंत्री मोदी जी जिनको आशीर्वाद प्राप्त हुआ है राष्ट्र की जनता का, वो अग्रसर हैं उस विकास के पथ पर जिससे राष्ट्र का नवनिर्माण। मैं अभी उसी का छानबीन कर रहा हूँ, अभी उसका देखूंगा क्या हुआ है, किसने किया है। इनिशियली तो मुझे भी पता नहीं किसने किया है। नरेंद्र मोदी जी ने चाय बेच करके देश के प्रधानमंत्री बन गए, कांग्रेस के पास तो बनी बनाई विरासत, उसके बल पे वो राजनीति कर रहे हैं। तो सारे चाय वाले तो गर्वंतित है कि नरेंद्र मोदी जी ने चाय बेच के पीएम बने, कांग्रेस ने कितने चाय वालों को सांसद या पीएम या मंत्री बनाया। मैं अपने मेहमानों का तारुफ आपसे करवाऊं उससे पहले हैशटैग चाय से जली कांग्रेस पर आप अपनी राय, अपनी प्रतिक्रिया, अपने सवाल पूछ सकते हैं। हम पूरी कोशिश करेंगे कि इस बहस के दौरान आपकी राय, आपके सवाल को हमारे जो बाकी पैनलिस्ट हैं उनसे पूछा जाए। संबित पात्रा, डॉक्टर पात्रा हमारे साथ आज जुड़े हैं। 2010 से अब तक बीजेपी के प्रवक्ता है, केंद्रीय समिति में ओडिशा का प्रतिनिधित्व करते हैं। 2003 में यूपीएससी ज्वाइंट मेडिकल सर्विस परीक्षा पास की थी और दिल्ली के हिंदूराव अस्पताल से जुड़े रहे हैं। आपको ये बता दें कि दिल्ली सरकार द्वारा जारी जाति प्रमाण पत्र में आपत्तिजनक शब्द हटाने में बड़ी भूमिका हाल ही में उन्होंने निभाई है। आपको ये भी बता दें कि रागिनी नायक कांग्रेस की प्रवक्ता है, दिल्ली यूनिवर्सिटी छात्र संघ की अध्यक्ष रह चुकी है,
NSUI की महासचिव रह चुकी है, दिल्ली यूनिवर्सिटी से अंग्रेजी साहित्य में पोस्ट ग्रेजुएट है, मध्य प्रदेश के जबलपुर की रहने वाली है और ट्विटर प्रोफाइल में खुद को ड्रीमर और डिबेटर लिखती हैं। रागिनी, आपका भी स्वागत है। नवेद सिद्दीकी साहब भी हमारे साथ तब से कुछ ही देर में जुड़ेंगे, जो समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता है और इस पार्टी में आने से पहले वो रेडियो जॉकी रह चुके हैं। यूपी में चुनाव प्रचार के दौरान 20,000 किलोमीटर की यात्रा भी की थी और पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव के साथ यूपी में बहुत सारी रैलियों में भी रहे हैं। प्रोफेसर दिनेश वार्ष्णेय, ये CPI की नेशनल काउंसिल के मेंबर है, दिल्ली यूनिवर्सिटी के साउथ कैंपस के डिप्टी डीन है, हमारे साथ ये भी अब से कुछ ही देर में जुड़ेंगे। आलोक मेहता साहब करीब 40 साल से पत्रकारिता में है, 2009 में पद्मश्री सम्मान मिल चुका है, एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया के अध्यक्ष रह चुके हैं, हिंदी अंग्रेजी में कई किताबें लिख चुके हैं, 40 देशों की यात्राएं कर चुके हैं। नेशनल बुक ट्रस्ट की तरफ से प्रकाशित किताब भारत में पत्रकारिता बहुत चर्चित है। तब और अब सत्ता के नगाड़े, सफर सुहाने, दुनिया के लोकप्रिय ये किताबें हैं जो लिखी है सर ने। ज्योति उनादकट हैं जो कि अहमदाबाद में रहती हैं, गुजरात की पत्रकारिता में जाना माना नाम है, गुजराती पत्रिका अभियान और संदेश की संपादक रह चुकी है, 14 साल तक गुजराती पत्रिका चित्रलेखा में पत्रकारिता कर चुकी है। मैम, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सोनम महाजन राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर हमारे साथ जुड़ी है, कश्मीर की रहने वाली है, मुंबई में रहती है, तेज़तर्रार छवि के लिए जानी जाती है और सोशल मीडिया एक्सपर्ट भी है, फेसबुक और ट्विटर पर बहुत एक्टिव रहती है। सोनम, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। 1.5 मिनट आप सभी को मिलेंगे और इसीलिए रागिनी नायक, आरोप कांग्रेस पर ये लग रहा है रागिनी कि गरीबी का मजाक उड़ाना ये कांग्रेस का कल्चर है, मणिशंकर अय्यर हो या फिर आप अपने अभी के हालिया ट्वीट को देख लीजिए, फिर इस बीच में तो बहुत से ऐसे नेता हैं जिन्होंने सिर्फ और सिर्फ गरीबी का मजाक उड़ाया है। इज इट रियली इन कांग्रेस कल्चर? रूबिका, कांग्रेस पार्टी का मानना है कि मर्यादित भाषा से ही राजनीतिक शुचिता और सार्वजनिक शोभनीयता के लक्ष्य की प्राप्ति हो सकती है। आपने अपनी रिपोर्ट में अभी खुद ही दिखाया जिसमें कि ये कहा जा रहा है कि युवा देश का ट्विटर हैंडल पदाधिकारी यूथ कांग्रेस के नहीं चलाते हैं, वॉलंटियर्स चलाते हैं। इसके बावजूद यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने खुद सामने आकर माफी भी मांगी और तथाकथित ट्वीट की निंदा की। कांग्रेस ने आधिकारिक रूप से यह कहा कि प्रधानमंत्री का उपहास उड़ाना बिल्कुल ठीक नहीं है, अभद्र भाषा का प्रयोग कतई नहीं होना चाहिए। लेकिन मैं दो सवाल पूछना चाहती हूं। पहला ये कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद गुजरात की रैली में कहते हैं कि कांग्रेस पार्टी विकास पर भौंकती है, जब हिमाचल में कहते हैं कि कांग्रेस पार्टी दीमक के समान है, जब 2014 की चुनावी रैली में कहते हैं कि कांग्रेस का सिंबल खूनी पंजा है, जब वो सोनिया गांधी जी को जर्सी गाय और राहुल गांधी जी को हाइब्रिड बछड़ा बताते हैं, जब वो पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी को संसद के पटल पर खड़े होकर नाइट वॉचमैन कहते हैं और रेनकोट पहनकर नहाने की कला में माहिर बताते हैं, जब शशि थरूर जी की पत्नी को कहा जाता है कि वो 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड है और गुजरात की कुपोषित लड़कियों को फैशन कॉन्शियस बताया जाता है, तो क्या इस देश के प्रधानमंत्री क्षमा प्रार्थी होते हैं? क्या भारतीय जनता पार्टी के लोगों को इन सब वक्तव्यों पर ग्लानी और पश्चाताप होता है? जवाब है नहीं। नरेंद्र मोदी जी चाय बेचने वाला अपने आप को कहे तो गर्व की बात है, कोई दूसरा कहे। ठीक है, आपकी आवाज अब डाउन हो जाएगी, ये बजर राउंड है, तो आप ये कहना चाह रही है कि अगर सामने वाला बुरी चीजें करता है तो हम उसके ऊपर डबल बुरी चीजें करेंगे, हम तो राजनीति ऐसे ही करेंगे, आप यही बताने की कोशिश कर रही थी शायद, अब इसका जवाब आप मुझे दीजिएगा। लेकिन डॉक्टर पात्रा, ट्वीट डिलीट कर दिया गया, सॉरी बोल दिया गया, खेद जता दिया गया, अब सवाल यह है कि कितनी बार चाय के नाम पर बीजेपी वोट मांगेगी? देखिए रूबिका जी, ये सिर्फ एक ट्वीट नहीं था, ये ट्वीट से बढ़कर एक मानसिकता थी, ये एक पूरे मानसिक आचार और मानसिक प्रचार को एक तरह से कांग्रेस पार्टी ने रखा है। और कोई पहला ट्वीट कांग्रेस पार्टी का नहीं था, कांग्रेस पार्टी ने इससे पहले मणिशंकर अय्यर जी के माध्यम से जिस प्रकार 2014 के चुनाव से पहले
कांग्रेस के अधिवेशन के बाहर कहा कि ये चाय बेचने वाला प्रधानमंत्री बनेगा, मैं प्रॉमिस करता हूं कि मैं इसे प्रधानमंत्री बनने नहीं दूंगा, और हाँ अगर कोई काम करना ये चाहता है तो ये आके कांग्रेस के दफ्तर के बाहर अधिवेशन के बाहर चाय बेचे, हम इसको एक कमरा मुहैया करेंगे। इस प्रकार का एक कॉन्डिसेंडिंग टोन, इस प्रकार की गाली इन्होंने नरेंद्र मोदी जी को पहली भी दी थी। और अभी जो रागिनी जी बता रही थी कि चाय बेचने वाला जब नरेंद्र मोदी खुद को बताए तो कोई परेशानी नहीं है, मगर जो कोई दूसरा उनको बताए तो परेशानी है। देखिए कांग्रेस ने उनको चाय बेचने वाला नहीं बताया, कांग्रेस ने कहा तुम प्रधानमंत्री बनोगे, तू जा और तू जाके चाय बेच। देखिए ये गाली सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो साधारण गरीब परिवार से आते हैं उनके लिए नहीं है, यह गाली हिंदुस्तान के तमाम गरीबों के लिए है और खास करके गुजरातियों के लिए है। गुजराती जो कि मेहनतकश होते हैं, जो परिश्रम करके आगे बढ़ने को अपना मादा मानते हैं, और हर गुजराती एंटरप्राइजिंग होता है, उसको इस प्रकार की गाली देना कि आप अगर अंग्रेजी नहीं समझते हैं, आप हावार्ड जैसे यूनिवर्सिटी से नहीं पढ़े हैं, आप पिछड़े जाति से आते हो और गरीब परिवार से आते हो, तो तुम्हारी औकात क्या है तुम प्रधानमंत्री बन सकते हो? प्रधानमंत्री केवल गांधी परिवार का आदमी बन सकता है। ठीक है प्रोफेसर दिनेश, आप इस ट्वीट को कैसे लेते हैं, और एक के बाद एक ये अभी गिनाया आपको डॉक्टर पात्रा ने भी कि कैसे एक के बाद एक इसी तरीके से पीएम पर निशाना साधती चली गई है कांग्रेस? क्या वाकई गरीबी से सख्त नफरत है? आप तो गरीबी के लिए लड़ते रहे हैं, आपके आपकी तो आइडियोलॉजी ही यह है कि समानता होनी चाहिए, पर क्या कांग्रेस में समानता के लिए वो इज्जत दिखाई देती है? रूबिका देखो, राजनीति में सर्वोच्च भाषा तो वही है जो आप संजीदगी से बात करें, एक दूसरे के प्रति इज्जत से बात करें, चाहे वो चाय वाला का भाषा हो, चाहे वो बार वाला भाषा हो, दोनों ही गलत है, चाहे वो पप्पू वाली भाषा हो वो भी गलत है। इसलिए ये हमें, हमारे भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के नेता तो ऐसी भाषाओं का प्रयोग करते नहीं हैं, ना हम करते हैं, और किसी भी प्रोफेशन में ये अच्छी बात नहीं है कि आप अपनी लैंग्वेज अपनी बात को बिना किसी गाली गलौच या बिना बुरी भाषा के कह सकते हैं, पर अगर कोई इसको करता है तो उसको सुलटना चाहिए। और मैं ये बता देना चाहता हूँ, मैं रागिनी की बात से कुछ हद तक सहमत हूँ कि भाषाएं इनकी तरफ से भी गलत हुई हैं, और डॉक्टर पात्रा हो चाहे रूबिका हो चाहे जी न्यूज हो चाहे मैं हूँ, किसी को भी दोहरे मापदंड नहीं अपनाने चाहिए। दोहरे मापदंड जो अपनाता है इसका मतलब है कि वो किसी एक साइड से बोल रहा है, वो एक साइड से बोल रहा है और वो गलत बात है। देश की जनता का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। चाय वाले रहे तो अच्छी बात है, चाय वाले रहे, ये बात दूसरी है कि नोटबंदी करके देश के हजारों लाखों चाय वाले मजदूरों, रिक्शा वाला, रेहड़ी पटरी वाला, किसी धोने वाले के सबकी नोटबंदी करके उन्होंने चाय गायब कर दी, उनकी रोटी गायब कर दी, वो बात अपनी जगह है, पर भाषा संजीदगी वाली होनी चाहिए, इज्जत वाली होनी चाहिए एक दूसरे के प्रति, और देश की समस्याओं पर लड़ाई लड़िए इलेक्शन में। वही तो नहीं हो रहा ना प्रोफेसर दिनेश, वही तो नहीं हो रहा ना, बाकी सारी चीजें यहाँ पर होती हुई नजर आए। आलोक मेहता साहब, आप पत्रकारिता का इतना अनुभव रखते हैं, मतलब मुद्दे आपको डिस्कस ही नहीं करने हैं, आपको सिर्फ और सिर्फ ट्विटर पर लड़ाई लड़नी है, फेसबुक पर लड़ाई लड़नी है, मंचों पर लड़ाई लड़नी है, और लड़ाई इस कदर कि तू जा चाय बेच। आप अपने देश के प्रधानमंत्री के लिए इस तरीके के लफ्जों का इस्तेमाल भी कैसे कर सकते हैं? रूबिका जी, बिल्कुल इतना दुर्भाग्यपूर्ण है, क्योंकि हमने कितने फेस देखे, जनता पार्टी आई तब भी, उसके बाद 77 के बाद से राजनीति में बहुत सारे नए लोग आए, कई बार हम लोग इसकी आलोचना भी करते हैं, सामाजिक तत्व तो भी घुस गए, अपराधी पृष्ठभूमि वाले घुस गए, लेकिन इस तरह की भाषा का इस्तेमाल पिछले कुछ हाल के महीनों और एक दो वर्षों में जो बढ़ा है, वो कांग्रेस पार्टी जो मतलब इस तरह से जिसकी परंपरा रही उसके नाम पर कोई लोग है, लेकिन इसकी वजह क्या है रूबिका जी, कि जैसे लोग अपरिपक्व, जिनको कोई समझ नहीं है, ट्विटर पर किराए पर लिए हुए लोग, क्षमा करेंगे जो भी लोग इस सोशल मीडिया में काम भी करते हैं, क्योंकि उनको नहीं, चलिए उनको भी तनख्वाह देना होती है, कुछ खर्च चलाना होता है, तो पार्टी की विचारधारा से भी उनको कोई मतलब नहीं है, उन्हें प्रधानमंत्री का मान दिखाना वाला भी कोई नहीं है। चूँकि ये जो किया गया है, इस पर सबसे बड़ा ध्यान दीजिए, विदेशी नेताओं के साथ, जर्मनी की चांसलर हैं, मुझे इस पर भी ज़्यादा आपत्ति है। यहाँ पर आप देखिए कार्टून बनाते हैं हमारे आर के लक्ष्मण, बड़े बड़े अच्छे कार्टूनिस्ट रहे हैं, बाल ठाकरे खुद बहुत अच्छे कार्टूनिस्ट थे, तो कार्टूनिस्ट बनाना कार्टून में अलग चीज़ है, ये कार्टून नहीं है, ये बनाया हुआ उनके नाम पर उन नेताओं को साथ जोड़ के भारत का अपमान, ये प्रधानमंत्री का अपमान नहीं है, ये भारतवर्ष का अपमान है,
भारत के प्रधानमंत्री को इस तरह की भाषा में कह रहा है कि तू चाय बेच, मतलब उसको नीचा दिखाना, भारत के इतने बड़े देश को जो सबसे लोकतांत्रिक, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है, ये कहने की उसके बाद उन लोगों पर कार्रवाई, उनको डिसमिस किया जाना चाहिए था, उनको कहा जाना चाहिए था कि भाई आपको निकाल दिया गया है, खाली माफी गाली दीजिए, तलवार से हाथ काट दीजिए और उसके बाद कहिए कि माफी मांगी। ठीक है सर, अब मैं सोनम महाजन के पास जा रही हूँ। सोनम, ये जो सारे पैनलिस्ट यहाँ पर अपनी बात रख रहे हैं उसमें हमें और जो सबसे इम्पोर्टेंट बात यहाँ पर मेहता जी ने बताई है कि आप किराए पर लोग उठा लेते हैं, आप ये जरूर मन से कह देते हैं कि हमारे पीएम को आप पर्सनली निशाना उन पर नहीं साधेंगे, लेकिन काम वही होता नजर आ रहा है। और ट्विटर पर एक वेरिफाइड अकाउंट से ये होना अपने आप में बड़ा बन जाता है। जी, सबसे पहले तो मैं फैक्ट्स में बिलीव करती हूँ, नैरेटिव में नहीं करती। जो इन्होंने कहा उसके कोई उस पे उस कोई आधार नहीं है उसका। दूसरी बात, अमरिंदर सिंह राजा ने जो कहा कि ये हमारा पॉलिटिकल जो अकाउंट है, जो ये ऑफिशियल नहीं है, इसको वॉलंटियर्स हैंडल करते हैं, मैं अमरिंदर सिंह राजा का खुद का एक ट्वीट यहाँ पढ़ना चाहूँगी जो उन्होंने 29 मई 2015 में किया है स्मृति ईरानी जी के लिए। क्या है तेरी कहानी जो तू बन बैठी इतनी जल्दी बीजेपी की महारानी, क्या कला दिखाई जो मोदी हुए दीवाने, तू सुना दे तेरी जुबानी। ये तो उनके अपने पर्सनल अकाउंट से आया है, तो उनको ये बातें तो बिल्कुल शोभा नहीं देती कि वो आके कहें ये वॉलंटियर्स हैंडल कर रहे हैं, हम नहीं कर रहे हैं। रही बात बुरी लैंग्वेज के यूज़ करने की, तो वो तो दोनों तरफ से होती है और हम देख रहे हैं कि रिसेंटली जो भारतीय जो राजनीति है वो किसी और ही स्तर पर जा रही है। पर वो अपने इस ट्वीट का क्या एक्सप्लेनेशन देंगे? और कांग्रेस की जो एक मानसिकता रही है वो शुरू से ही एंटी पुअर, एंटी यू नो लो क्लास शायद रही है, क्योंकि जब लोग किसान यहाँ पे सुसाइड करते थे, लोग भुखमरी से मर रहे थे, तो ये लोग हवा में प्लेन्स में जाके अपना बर्थडे मना रहे थे। तो वो हम समझ सकते हैं दैट वेयर इज़ दैट कमिंग फ्रॉम। पर मैं ये क्लैरिफिकेशन ज़रूर चाहूँगी राजा साहब से कि जो आपने अपने पर्सनल अकाउंट से किया है ये जो ट्वीट, ये भी क्या किसी और ने किया है या फिर ये हैंडल वो तब खुद हैंडल नहीं करते थे, क्योंकि ये ट्वीट आज भी उनकी टीएल पे मौजूद है। और ऐसा नहीं है कि आप ये कह दे कि हैक हो गया था साहब, वो तो आप कह रही हैं कि वो ट्विटर लाइन पर मौजूद है। रागिनी, इसका जवाब आप मुझे दीजिएगा, लेकिन फिलहाल मैं जाना चाहती हूँ भावनगर, क्योंकि वहां पर मेरे सहयोगी विशाल मौजूद है और वो एक चाय के ठेले पर मौजूद है जहाँ लोग चाय पीना और पिलाना बहुत गर्व की बात समझते हैं। विशाल, लोगों को इस बारे में पता चला है कि एक बार फिर से चाय को लेकर बवाल हो गया है? बिल्कुल रुबिका, और हम इस वक्त भावनगर में जयदेव चाय वाला दुकान पर मौजूद हैं और ये यहाँ पर काफी 10 से 15 सालों से चाय की दुकान लगा रहे हैं। कुछ लोग यहाँ पर मौजूद हैं जो खुद चाय बनाते हैं, हम उनसे पूछते हैं, चाय वालों का मजाक उड़ाया जा रहा है, गरीबी का मजाक उड़ाया जा रहा है, आप लोगों को कैसा लग रहा है इस वक्त चुनाव के दौरान जब चाय को लेकर एक बार दोबारा मुद्दा बन रहा है? कोई लोगों को हमारे चाय वाला का मजाक उड़ाना नहीं चाहिए, चाय का धंधा कोई छोटा नहीं है, धंधा बड़ा है। हमारे ना 5 बंदे काम करते हैं, 5 का गुजरान चलता है, और हमारा प्रधानमंत्री से नरेंद्र भाई मोदी वो भी चाय वाला था। हमें गौरव की बात है कि हम गुजराती है और चाय वाला है, चाय का धंधा बड़ा है, छोटा नहीं है। तो कांग्रेस चाय को लेकर मजाक उड़ा रही है, ट्विटर पर प्रधानमंत्री को लेकर लिख रही है, कैसे देखते हैं आप चाय वालों के इस मजाक? ऐसा मजाक कांग्रेस को नहीं करना चाहिए, चुनाव वो लड़ते हो तो उसकी तरह से लड़ना चाहिए। ऐसे मजाक बना के ये दूसरे और वो भी वो वोट खो देगी कांग्रेस, ऐसा मजाक नहीं करना चाहिए। हम कुछ और लोगों से लेते हैं, यहाँ पर विश्लेषक भी हमारे साथ चाय की दुकान पर पहुंच गए जो कि काफी वरिष्ठ पत्रकार है। रुबिका, कैसे देखते हैं आप गुजरात की राजनीति में चाय वाला एक बार फिर से मुद्दा गर्म हो रहा है और पीएम मोदी का मजाक एक तरीके से बनाया जा रहा है? चाय वाला जो ट्वीट किया है कांग्रेस की ओर से, वो प्रधानमंत्री की गरिमा के हिसाब से सही नहीं है। लेकिन हम थोड़ा सा पीछे जाए तो जब मोदी जी सीएम थे और मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे, तब जो मोदी जी बात कर रहे थे मनमोहन सिंह के बारे में, तब किसी को उसकी गरिमा याद नहीं आ रही थी। और चाय वाला सुन के ही प्रधानमंत्री बोले मुझे खुद भी गर्व है, तब भी वो वही ट्वीट के ऊपर वो प्रधानमंत्री बने हुए हैं। तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ये तो सब चुनाव में होता रहता है, चुनाव में होता रहता है। देखिए, चाय की केतली लेकर एक और लोग यहाँ पर जो कि चाय की दुकान से है, क्या कहना चाहेंगे आप चाय को लेकर जिस तरह से चर्चा चल रही है, चाय वालों का मजाक? जैसे भाई ने बोला वैसी तरह है मेरा कहना, तो क्योंकि ये चाय वाले का मजाक करना बहुत अच्छी बात नहीं है। ये बिजनेस है अपना, अपनी तरह से लड़ते हैं, क्योंकि हम करते हैं कुछ भी,
तो ये अपनी तरह से गप करते हैं। तो देखिए रूबिका, चाय वालों की राय, विश्लेषकों की राय, भावनगर से आपने सुनी। चाय वालों का साफ तौर पे कहना है कि उनके लोगों का गुजारा चलता है इसी चाय की चुस्की से। जो लोग यहाँ पर चाय पीने आते हैं, तो कम से कम चाय वालों का मजाक ना बनाया जाए, राजनीति अलग अलग मुद्दों से की जाए, चाय को उसमें लेकर ना आया जाए। ये छोटे व्यापारियों से, छोटे दुकानदारों से जुड़ा मुद्दा है रूबिका। बाकी और ये गुजरात चुनाव ही थे ज्योति, अब मैं आपके पास आ रही हूँ। ये गुजरात चुनाव ही थे 2007 के, जब मौत का सौदागर बहुत भारी पड़ गया था कांग्रेस को। क्या वापस ये मजाक भारी पड़ सकता है? बिल्कुल भारी पड़ सकता है मेरे ख्याल से। सबसे पहले मेरा ये ट्वीट के बारे में मैं अपना ओपिनियन देना चाहूंगी कि ये प्राइम मिनिस्टर चाहे कौन से भी पार्टी से हो, लेकिन जब प्राइम मिनिस्टर के लिए आप कुछ लिख रहे हैं तो उनकी गरिमा को आपको, उनकी गरिमा के बारे में आपको सोचना चाहिए। बिकॉज ये ट्वीट पूरे इंडिया में नहीं, इंडिया के बाहर भी सबने देखी है, और हमारे यहाँ ही आपस में पार्टी ऐसा बिलो ये इनकी गरिमा को हानि पहुँचे ऐसा ट्वीट करे, वो गलत बात है। और दूसरी बात यह है कि अमरिंदर सिंह जी ने बोला कि वॉलेंटियर ये ट्वीट चला रहे हैं, ट्वीट का हैंडल, ट्विटर हैंडल चला रहे हैं। तो ये ट्विटर हैंडल जो चलाता है, उनको आपने समझाया नहीं था क्या? आपको उसको प्रशिक्षित करना चाहिए था कि आपको ऐसी ऐसी ट्वीट नहीं करनी है। जबकि राहुल गांधी खुद ऐसा बोलते हैं किसी सभा में कि पीएम की गरिमा को हानि पहुंचे, ऐसे पर्सनल अटैक हम नहीं करेंगे। तो ऐसी ये ट्वीट का, ट्वीट के बारे में ये हमने भावनगर से भी सुना, और पूरे आज मैं सुबह से ही सारे पत्रकारों से और सभी से बात कर रही हूँ, आम आदमी से भी बात की। तो उनका यही कहना था कि इनका प्रोफेशन है, तो जब उन्होंने चाय बेची थी और उसके बाद इतना आगे आए हैं, तो एक आम आदमी के मन में एक आशा जगी है कि उसका भी प्रोग्रेस हो सकता है। और ये गलत बात है, ऐसा ट्वीट उनको ये मैं अच्छे से नहीं देखती, क्योंकि ये हमारे प्राइम मिनिस्टर की गरिमा का सवाल है। प्राइम मिनिस्टर की गरिमा का सवाल है, गरीबी का सवाल है, गरीबी की मजाक का सवाल है। और ये डिबेट अब मैं ओपन कर रही हूँ, इसीलिए रागिनी आपके पास आ रही हूँ। विजय कुमार हमारे एक व्यूअर है, वो ये लिख रहे हैं, मौत का सौदागर फिर खून की दलाली। अय्यर साहब ने मोदी जी को कहा कांग्रेस अधिवेशन में जाओ, चाय बेचो, पीएम तो बन नहीं सकते हो। अब यूथ कांग्रेस का ट्विटर सुनिएगा ध्यान से, ये क्या कह रहे हैं। ऊपर से ही बोल अगर इस तरीके से बिगड़ेंगे तो नीचे क्या उम्मीद की जा सकती है? फिर तो ये फैशन बन जाएगा कि अपने सीनियर्स को आप इसी तरीके से कर सकते हैं। आप कह रही हैं कि वो हैंडल हम नहीं करते थे, वो ट्विटर हैंडल जो है दूसरे कार्यकर्ता करते थे, शायद इंप्रेस करने के लिए कर रहे हो, खुश हो जाएंगे हमारे सीनियर क्योंकि वो भी यही काम करते हैं। रूबिका जी, दो तीन बात संक्षिप्त रूप में जल्दी जल्दी कहूंगी। पहली बात तो ये कि मनरेगा देश में लाने वाली, फूड सिक्योरिटी एक्ट लाने वाली, राइट टू एजुकेशन लाने वाली, किसानों का 1,72,000 करोड़ रुपए का ऋण माफ करने वाली कांग्रेस पार्टी को यह कहा जा रहा है कि हम गरीबों, मजदूरों, मेहनतकश लोगों के साथ नहीं हैं, लेकिन सूट बूट की सरकार, ऑर्डिनेंस के द्वारा जमीन हड़पने वाली सरकार, बड़े बड़े उद्योगपतियों के ऋण माफ करके किसानों के साथ 5-10 रुपए का मजाक करने वाली सरकार आज गरीबों के साथ खड़ी हुई दिखाई दे रही है। मैं इस तर्क को, जो सोनम महाजन जी का तर्क है, उसे हास्यास्पद मानती हूं। पहली बात, अब मैं आपकी बात का जवाब देती हूं। बार बार लोग यहां पर सवाल पूछ रहे हैं कि ट्विटर हैंडल, ट्विटर हैंडल। अब आईटी चीफ जो है मालवीय जे भारतीय जनता पार्टी के, वो ये ट्वीट करते हैं नेहरू जी की भतीजी और बहन, जिन्हें नेहरू जी ने आलिंगन किया हुआ है, गले लगाया हुआ है, उसको फोटो दिखाकर गलत तर्जी देने के लिए ट्वीट किया जाता है कि नेहरू जी का डीएनए है हार्दिक पटेल में। ये किसी को आपत्तिजनक नहीं लगता? अच्छा रागिनी, यही पर बात कोई टिप्पणी मांगी जाती है? आप यही पर माफी नहीं मांगी जाती? आप यही बात कह रही हैं कि तुम नीचे गिरोगे तो हम डबल नीचे गिरेंगे, इसी तरीके से हम राजनीति करेंगे? एक बात और कह लेने दीजिए रागिनी। नहीं, आप मेरे सवाल, मैं ये कह रही हूँ कि हम गलती करते हैं तो माफी मांगते हैं, हम क्षमा प्रार्थी होते हैं, तो लेकिन अगर धृष्टता दूसरी चीजें इस तरीके से गिरधार क्या बताना चाहते हैं? खुद करते हैं आप दूसरी चीजें, देश में जाकर कहते हैं कि उससे पहले तो भारत का नाम जवाब नहीं था देश में। डॉक्टर पात्रा भी है, सोनम महाजन भी है, इन दोनों ने सवाल उठाए हैं, इनसे आप सवाल कर रही हैं, पर मेरे सवाल का जवाब जब बिहार, जब कांग्रेस में, बिहार भारतीय जनता पार्टी बार बार इस तरीके के बयान क्यों दिए जाते हैं? शशि थरूर कैटल क्लास, नहीं पूछा जाता? मणिशंकर अय्यर चाय वाला। रागिनी मुझे ये बताइए ये ना कि गरीबी को लेकर इतनी नफरत क्यों है? आपके उपाध्यक्ष कह देते हैं ये तो मेंटल स्टेटस है। अरे चाय वाला शब्द पर प्रधानमंत्री मोदी और उनकी पार्टी के लोगों को गरीबी से इतनी नफरत है? नरेंद्र मोदी जी तो गर्व के साथ बराक ओबामा जी को बता रहे थे कि वो चाय बेचने वाले हैं,
तो अचानक से चाय बेचने वाला व्यवसायी अपमानजनक क्यों हो गया? किस बात की चिढ़ है? ये गरीबी चाय के में लिए किसी को क्या चिढ़ हो सकती है? क्यों आने लगा चाय में? क्या आप ये कह रहे हो सकता जी कि चाय बेचने वाला व्यक्ति एक अपमानजनक व्यवसाय कर रहा है? वो तो आप लोग ऐसा हमारा लहजा गलत हो सकता है लेकिन चाय बेच का क्या मतलब? अच्छा अगर एक व्यक्ति जो चाय रागिनी बताइए रागिनी बताइए मुझे चाय बेचने वाला है आप और मैं किसी बैटल में किसी बातचीत में मैं आप मुझे ये कह दे जा रूबिका अपना काम कर एंकरिंग कर कहने में तो आपको थोड़ा सम्मान तो देना होगा ना। अरे रूबिका जी उस लहजे के लिए माफी मांग तो ली डॉक्टर पात्रा गुजरात चुनाव के मद्देनजर आप पूरे ज्वलंत मुद्दों को दरकिनार करके केवल एक चाय वाले का मुद्दा मैं ये ज्वलंत मुद्दा है बार बार देश के पीएम की आप राजनीतिक रोटियां सेक चुके हैं ज्वलंत चाय वाला है रागिनी जी अब बार बार नहीं होगा डॉक्टर की जनता पूछेगी पार्टीदारों के साथ अन्याय क्यों हुआ डॉक्टर पात्राई की जनता पूछेगी कि क्यों सूरत जब ये शांत हो जाएंगे तब मैं बोलूंगा रागिनी जी आप सुनिए कपड़े उतार कर रागिनी जी आप सुनिए यही मुद्दे हैं गुजरात के मैं बोल सकता हूं प्लीज आपको देश एक सवाल पूछ रहा है बहुत सारे मेरे व्यूअर्स हैं वो आपसे सवाल पूछ रहे हैं कि लीजिए बीजेपी में एक चाय वाला पीएम तो बन गया यहां कांग्रेस में अध्यक्ष भी बन पाएगा कभी चाय वाला अब उसका जवाब दे उससे पहले डॉक्टर पात्रा इन समय बहुत बलवान है क्यों नहीं बन सकता मैम पता देखिए मैंने आपको शुरू मैं आप बताइए चलिए ठीक है चलिए एक सेकंड मैं बोल लूं अब देखिए रूबिका जी मैंने आपको आरंभ में ही कहा ये सिर्फ ट्वीट का विषय नहीं है ये एक सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट ऑफ द लथियंस दिल्ली देखिए लथियंस दिल्ली एक जगह ही है मगर एक पावर कॉरिडोर है यहाँ बहुत सारे लोगों को एक सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट है अपने जाति के आधार पर अपने वंश के आधार पर अपने अंग्रेजी कहने के आधार पर कि हम ही हैं वो जो पावर ऑफ कॉरिडोर में घुस सकते हैं ये बाकी बाहर से स्मॉल टाउन बॉयज पिछड़े जाति के लोग ये जो कम पढ़े लिखे लगते हैं जो अंग्रेजी फ्लुएंटली नहीं बोल पाते हैं जो गरीब थे इनके अधिकार नहीं है पार्लियामेंट के अंदर घुस के प्रधानमंत्री बनने का और यही देखिए ये यही राहुल गांधी है जिन्होंने जाके यूएस में कहा कि हाँ मैं वंशवादी हूं आई एम अ डायनास्ट तो क्या हो गया इंडिया ऐसे ही चलता है कहीं ना कहीं इनके मन में ये घुसा हुा है कि इंडिया ऐसे ही चलता है और जिसको जयराम रमेश ने कहा पंकजा मुंडे तो किसी नेता की बेटी नहीं है सुल्तानों का सल्तनत चला गया मैं आपके बीच में बिल्कुल नहीं बोला पीयूष गोयल मैं आपको बिल्कुल नहीं बोला बीच में आप थोड़ा सा प्लीज कर्टियस होके हो जाइए रूबिका जी मैं इनसे निवेदन करूंगा कि इस प्रकार का दुर्व्यवहार ना करें झूठ बोल रहे हैं संबित पात्रा जी कम से कम इनके राष्ट्रीय प्रवक्ताओं को कहिए थोड़ा सा राहुल गांधी जैसे बिहेव ना करें और थोड़ा सा व्यवहार सीखे गए मैं आपसे सभी ने निवेदन करूंगा प्लीज आप व्यवहार के दायरे में बीच में मैंने आपको बीच में नहीं बोला था आप तो डिबेट शुरू होते वक्त कह रहे हैं देखिए आप आप लोगों की हिम्मत को देखिए इस रागिनी नायक को हिम्मत को देखिए ये आके यहाँ डिफेंड कर रही है कि मैं तो प्रधानमंत्री को बोलूंगी तू जाके चाय बेच और इनको लगता है कि बस इसी के आधार पर ये चुनाव जीत सकते हैं मुझे मुझे आश्चर्य लगता है कि आप जैसे लोग किसी पॉलिटिकल पार्टी के प्रवक्ता भी हैं ऐसे कैसे काम देखिए रागिनी जी मैं आपके बीच में नहीं बोल रहा था आप सुन रूबिका जी मैं बोल सकता हूँ खत्म हो गया मैं सुनना चाहती हूँ डॉक्टर पात्रा हाँ ठीक है थैंक यू देखिए यहाँ जहाँ तक ये कि वॉलंटियर ने ट्वीट कर दिया फलाने ने ट्वीट कर दिया ये एक्सक्यूज नहीं है याद करिए चंद दिनों पहले इनके मनीष तिवारी और दिग्विजय सिंह ने एक शब्द का प्रयोग किया था प्रधानमंत्री के लिए अपने ट्विटर में और माफी भी नहीं मांगी थी उस शब्द को मैं यहाँ जी न्यूज के पैनल पे रख भी नहीं सकता हूँ सी से शुरू होता है और हिंदी में च से शुरू होता है देखिए जब गरीब आदमी साधारण प्रक्रिया में बढ़कर अगर गलत देखिए कितनी बौखलाई हुई है रागिनी नायक कितनी बौखलाई हुई है डॉक्टर पात्रा मुझे ये बताइए कि आप कर सकते हैं कि आपकी पार्टी से बिलोंग करने वाले वो तमाम नेता जिनके वेरिफाइड अकाउंट्स हैं उन्होंने ऐसी कोई बात कभी भी आप मुझे सवाल पूछिए डॉक्टर पात्रा आप मुझे सवाल पूछिए जवाब दूंगा देखिए जहां तक मैं उत्तर देता हूं मुझे नहीं पता कि सोनिया जी इटली में क्या काम करती थी मुझे जरूर लगता है कि वो सम्मानित काम ही करती होंगी और अगर कहीं भी काम करती थी मैं उसे सम्मान के दृष्टिकोण से देखता हूं कहीं भी काम करती थी कम से कम काम तो करती थी काम करके पेट भरना बुराई नहीं है
कहीं भी काम करती हो, मैं नहीं जानता, रागिनी जी बेहतर बता सकती हैं कि वो क्या व्यवसाय करती थी। मुझे नहीं पता है ना, तो मुझे अपने पार्टी ने बताया है वो क्या व्यवसाय करती थी। मुझे नहीं पता ना कि इटली में वो क्या करती थी, आप बता दीजिए। आप बता दीजिए इटली में सोनिया जी क्या करती थी, आप बता दीजिए ना। मैं आज आपको चैलेंज करता हूँ, आप छुपा के क्यों रखती हैं? अरे आपने मुझे बार पे सवाल पूछा, मुझे पता नहीं वो बार में काम करती, मुझे पता नहीं, सच में नहीं पता। आपको क्या इंटरेस्ट है, आप देश में इंटरेस्ट रखिए ना। अरे मुझे नहीं पता ना वो क्या काम करती थी। और उसके मुझे इंटरेस्ट नहीं है, मुझे सवाल पूछा गया, मुझसे सवाल पूछा गया वो क्या काम करती थी, अब मुझे नहीं पता। आपको पता है वो क्या काम करती थी, बता दीजिए। क्या पॉलिटिकल डिस्कोर्स ये हो गया? मैं ये समझने की कोशिश कर रही हूं, प्रजापति समुदाय को चिल्लर क्यों वाकई ये इस तरीके से पॉलिटिक्स चलेगी? नहीं, सच में मुझे नहीं पता कि सोनिया जी इटली में क्या काम करती थी। एक जो है फेंकू कहेगा, जिसको पता है कि सोनिया जी, मैं आज सवाल भारत की जनता से रिक्वेस्ट करता हूं, किसी के पास देखो, मुझे नहीं पता है कि सोनिया जी इटली में क्या काम करती थी। मैं आप दोनों को रोक रही हूं, एक सेकंड रुक जाइए सर, मैं डिबेट आगे बढ़ा दूं, अब मैं आगे बढ़ रही हूं। मेरे बाकी सारे मेहमान आपको सुन रहे हैं, वो भी अपनी राय रखना चाहेंगे। नवेद सिद्दीकी साहब आ गए, रागिनी जी को नवेद साहब सोनिया जी क्या काम करती थी, नवेद साहब मुझे कोई आपत्ति नहीं है। नवेद साहब के पास जा रही हूं मैं। नवेद साहब जरा ये बताइए कि ये चाय को लेकर, गरीबी को लेकर बार बार जो ये बवाल उठता रहता है कांग्रेस की तरफ से, आपके कभी साथी रहे उस पार्टी की तरफ से जब ये बवाल उठता रहता है, तो आपको क्या लगता है? देखिए रूबिका जी, सबसे पहले तो माफी चाहता हूं, बड़ा ट्रैफिक ज्यादा था मुंबई में, तो आप तक स्टूडियो तक पहुंचने में देर हो गई। लेकिन देखिए ऐसा है कि बात चाहे बेसलीका हो, मगर बहुत खूबसूरत शेर से शुरुआत करूंगा कि बात चाहे बेसलीका हो मगर बात करने का सलीका चाहिए। तो आज भले ही, चलिए जो मैसेज, जो चाय की बात हो रही है जो, ठीक, तो ये जहर बेचने वाले, जहर फैलाने वाले, जो जहर का अल्फाज का इस्तेमाल करने वाले, इनको भी सोचना चाहिए कि भाई ये ठीक है, हम क्या कर रहे हैं। तो आज इनको तकलीफ हो रही है, लेकिन मैं आपके चैनल पर ये मानता हूँ कि प्रधानमंत्री की, हमारे हिंदुस्तान के वजीर आजम हैं आदरणीय नरेंद्र मोदी साहब, तो उनके एक पद की गरिमा है, उनका सम्मान करना चाहिए, जनता को, हर दल को करना चाहिए, क्योंकि वो जनता ने उन्हें चुना है और वो देश के प्रधानमंत्री हैं। तो इस तरीके के अपशब्द का इस्तेमाल जो है, किसी के लिए भी, भले ही कोई प्रधानमंत्री हो, चाहे देश का एक आम नागरिक भी हो, किसी के ऊपर अपशब्द का इस्तेमाल इस तरीके से नहीं करना चाहिए। लेकिन मुझे इसके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है, अभी जैसा कि मैं रास्ते में देख रहा था मोबाइल के ऊपर आपकी न्यूज़, तो डिबेट में देख रहा था, उसमें मुझे ये पता लगा कि किसी को जो ट्विटर हैंडल करता था, शायद उससे कोई मिस्टेक हो गई या उससे कुछ गलती हो गई, इस तरह की खामियां हो गई शायद। अब ये क्या विषय है, ये चीज पूरा इतना डीपली इन्वॉल्व नहीं हुआ, कैसे हो सकती है? बकायदा उसको एडिट किया गया है, आदमी ने अपना बिल्कुल दिमाग लगाया है, बड़ा अपने आप को उसने क्रिएटिव समझा है, और आखिरी लाइन उसके साथ फोटो लगाए हैं, और आपको लगता है गलती हो गई है? और क्या ये जो भी कार्यकर्ता, रागिनी मुझे ये बताइए, ये कैसे कोई गलती कर सकता है? रागिनी, सोच समझ के की गई गलती, इसे अगर मैं ना कहूं तो क्या कहूं? उसे डर नहीं लगा होगा कि इस तरीके की कोई वो ट्वीट कर देगा तो उसकी हालत क्या हो जाएगी? और वो भी तब जब 12 दिन पहले राहुल गांधी ने कहा है कि पीएम पर कोई पर्सनल अटैक नहीं करेगा। देखिए शंकर नाम के कार्टूनिस्ट बहुत ही, तो नेहरू जी ने शंकर को बुलाकर कहा, डोंट स्पेयर मी शंकर, जो शंकर जी ने नेहरू जी का उपहास उड़ाने वाले बहुत सारे कार्टूनों का एक संकलन किया और उसका टाइटल भी दिया। राजनीति में बहुत सी बार व्यंग को, हास्य के चित्र को, तंज को एक लाइटर वेन में लिया जाता है। देखिए शंकर से तुलना मत करिए, एक मिमिक्री आई जो सड़क से उठ करके आए, शंकर से तुलना मत करिए, लाइटर मोड में लेने लायक विषय है, तू जाके चाय में लाइटर मोड में लेने का विषय है। अच्छा क्या वाकई इसको लाइटर मोड में लेना चाहिए? आज लाइटर मोड में बात कर रही है, बात कर रही है, आप बात कर रही है, लाइटर मोड में आप तो जी मैं बात करना चाहता लाइटर मोड, रागिनी जी से डिफेंड कर रही है, बात करना चाह रहा था, तू जाके चाय बेच, अभी लाइटर मोड में बात करना चाहिए कि बीजेपी ने जो किया, अरे लाइटर मोड में तो राहुल गांधी को लेना चाहिए। एक सेकंड दो पंक्ति मुझे कह दीजिए, प्रधानमंत्री के फोटो लगाकर ये कहना तू जाके चाय बेच, ये लाइटर मोड कैसे हो सकता है?
वो नहीं, ये नहीं बताएंगे कि क्यों प्राथमिक विद्यालयों को बंद करना पड़ा इन्फ्रास्ट्रक्चर। ठीक है, एक सेकंड आगे, हाँ, ये गुजरात के कहना चाह रहा था कि किसी तरह होगा। बोलिए बोलिए, आप क्या करना चाहे। रागिनी जी, रागिनी जी, आप खुद एक पत्रकार, समझदार, अच्छी विदुषी हैं, आप ये सोचिए, आप जो तुलना करती हैं कि बीजेपी ने किया, यदि किसी ने बैठ करके कहना चाहिए हम भी गधा बन जाएं, हम भी वैसा काम करें, मेरी आपत्ति यह है कि ये आर्गुमेंट देना आप दोनों पार्टी से, आप ये जो कहते हैं कि उन्होंने चूंकि गालियां दी तो हम उसका गालियां दे रहे हैं। आप, मैंने कहा आप, हम गलती करी, हमने माफी मांगी, चाय वाला, लेकिन आप जस्टिफाई कर रही हैं, आप शंकर से तुलना कर रही हैं, आप तो शंकर से तुलना कर रही हैं, आर के लक्ष्मण से तुलना कर रही हैं, नेहरू और इंदिरा गांधी पर जो टिप्पणी होती थी, अटल बिहारी वाजपेयी व्यंग करते थे। आपका काम बहुत डिफिकल्ट है क्योंकि आप कांग्रेस के प्रवक्ता है, आप जो कांग्रेस को डिफेंड करना है, अरे जब माफी मांग ली है तो उसको जस्टिफाई करने की जरूरत क्या है? आपको पता है जितना जस्टिफाई करेंगी इतना आपको नुकसान होने वाला है। आप सुनिए ज्योति उनटकर, जो वहां से आती है, वहां की पत्रकार है, आप कर रहे हैं। अरे भाई, माफी मांग ली रूबिका जी, आप सुन पा रही हैं? आप दूसरे तर्क तो यही दे रही हैं, पार्टी ने माफी मांग ली, माफी के साथ आप दूसरे तर्क दे रही हैं कि नहीं? सही है, मांगने का लहजा लग नहीं रहा है रागिनी जी, ये लहजा माफी मांगने का नहीं है, ये माफी मांगने का लहजा है रूबिका जी, आप कह रही हैं ये अहंकार का लहजा है, ये लहजा है कि जा तू चाय बेच, और बिल्कुल आप जस्टिफाई कर रही हैं। आप जैसे अमीर लोगों के लिए जो ये गरीब प्रधानमंत्री आपके आपके माफी मांगने का नहीं है, सोना महाराज के लिए एक गरीब प्रधानमंत्री आपको जचता ही नहीं है। डॉक्टर पाल राय, रागिनी सुनिए मेरी बात, तसल्ली से सुनिए, आई नो इट्स अ डिफिकल्ट जॉब टुडे, मुझे समझ आ रहा है, मैं समझ पा रही हूँ, आज बहुत तकलीफ हो रही होगी, डिफेंड करना पड़ेगा, पार्टी की प्रवक्ता है, अंडरस्टैंड, लेकिन सोनम ये कह देना आई एम सॉरी, हमसे गलती हो गई, हमने ये जो ट्वीट है ये कर दिया, लेकिन तू जाकर चाय बेच, और भारतीय यही तो हो रहा है, लेकिन तू जाकर चाहे। रूबिका जी, इन लोगों ने ये भी नहीं किया है, दे आर ट्राइंग टू डिफेंड द इनडिफेंसिबल। इफ यू नोटिस, ये जो हैंडल है, इससे ये जो ट्वीट्स है, ये बहुत दिन से आ रहे हैं, इस किस्म के ट्वीट, कल इस चीज को मीडिया ने उठा लिया, ये बहुत हाईलाइट हो गया, तो इन लोगों ने बाहर आके कह दिया, और इन्होंने यहाँ पे भी आप देखिए, इन्होंने माफी नहीं मांगी है, दे हैव सिंपली डिसओन्ड द अकाउंटेबिलिटी, उन्होंने ये नहीं कहा है, एक दूसरे से माफी मांगना क्या माफी होती है, और क्या दिग्विजय सिंह जी का अपना हैंडल जो है वो भी कोई और हैंडल करता है? जो शुरू के नहीं, एक दो इस अकाउंट से आप देखिए, इस अकाउंट से बहुत दिन से इस तरह के ट्वीट्स आ रहे हैं, दिखाइए ना माफी उन्होंने किससे मांगी है, उन्होंने कहा कि ये हमारा नागरिक न्याय है, कुछ और ट्वीट, अच्छा अगर उन्होंने माफी मांगी तो निकाले गए हैं युवा कांग्रेस के ट्विटर हैंडल से, निकाल के एक्सप्लेन कर दे। मैं अपने डायरेक्टर से कहती हूँ, उन्होंने बहुत ही स्मार्टली वॉच द टीवी कह दिया है कि युवा देश युवा देश का ये एक ही नहीं है ट्वीट, वो हैबिचुअल है इस मामले में, युवा देश जी। रागिनी जी, अभी कुछ देर में आपको बहुत दिन से चल रहा है, घिनौने ट्वीट है कि उन ट्वीट को यहाँ पे बयान नहीं किया जा सकता है, रूबिका जी जरूर दिखाएं, घिनौने हैं वो ट्वीट, यहाँ पे मैं बता भी नहीं सकता हूँ, घिनौने हैं, इतने घिनौने हैं, और ट्विटर टाइमलाइन पर आप जाइए रागिनी, आपके पास फोन होगा, मैं जानती हूँ, आपके पास फोन होगा, नहीं दिखा रही ज्योति जो बयान मैंने बताया वो भी डायरेक्टर को बोलिए कि उसकी भी फुटेज दिखाई जाए, किसकी फुटेज, ऐसे कैसे काम चलेगा, किसकी फुटेज, जो नरेंद्र मोदी जी के इतने सारे बयान आप कहें तो तारीख के साथ में दोबारा गिनवाती हूँ, जरा डायरेक्टर को बोल के उनकी भी फुटेज चलवाइए ना। हाँ ठीक है, आप सुन भी नहीं पाएंगी, आप सुन भी नहीं पाएंगे उस ट्विटर में क्या लिखा हुआ है। एक बात तो रागिनी वैसे कायदे की तो औकात की बात करते हैं, आप तो मेरे बारे में कहते हैं संबित पात्रा जी की ज्योति उठाकर ले आए प्रवक्ता को, ज्योति उन्नतकर, ये सब ज्योति उन्नतकर, अरे ठीक है आप तो खुद भाषा की मर्यादा, ये शुरुआत हुई कहां से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अरे आप मोदी जी के बेडरूम के बारे में बात करने वाले कौन है भैया, ट्वीट में हुई कहां से बताइए, आपको पता है उस ट्वीट में क्या लिखा हुआ है? एक सेकंड नहीं, आप मैं थोड़ा पीछे जाऊंगी, आप दोनों रुक जाइए, ये शुरुआत हुई कहां से,
पीएम पर, देश के पीएम पर फप्तियां कसने की शुरुआत डॉक्टर पात्रा हुई कहां से? मणिशंकर अय्यर ने सबसे पहले कहा था चाय वाला, लेकिन आज चाय वाला का ही मुद्दा नहीं है। देखिए विदेशी विदेशी मेहमान, विदेशी नेता जो कह रहे हैं वो हमारे प्रधानमंत्री को गाली दे रहे हैं, ये दिखाया जा रहा है। सबसे बड़ी आपत्तिजनक रागिनी जी, आप ये ध्यान दीजिए, वे सही है कि बार वाला कहना भी गलत है जो परेश रावल कहते हैं, मेरा ख्याल है समीर जी, और बाद में शायद परेश रावल ने भी उसको विड्रा कर लिया, लेकिन सवाल ये है कि क्या इस तरह की भाषा का इस्तेमाल राजनीतिक दल का नेता तो ये नहीं कह सकता कि ये कहना नहीं चाहिए। आपका प्रश्न बिल्कुल वाजिब है और मैं ये कह रही हूँ कि हम जब माफी मांग चुके हैं, हमने कहा कि इस तरीके से, लेकिन आप जस्टिफाई भी कर रही है ना, माफी उसने मांग लिया, आप तो उसको जस्टिफाई कर रही है कि ऐसा होता है। जस्टिफाई कर रहे हैं, माफी कहाँ से मांगी आपने? नरेंद्र मोदी जी भी व्हेन यू अपोलोजेटिक व्हाई आर यू जस्टिफाइंग इट? एक बार संबित पात्रा, प्रोफेसर वार्ष्णेय और डॉक्टर पात्रा जो रागिनी सवाल पूछी उसका जवाब दे दीजिए, वो ये कह रहे हैं कि साहब हमने तो माफी मांगी है, ठीक है आप डिबेट किया तो उसमें जस्टिफाई तो करना पड़ेगा, आगे और कैसे बढ़े? लेकिन प्रोफेसर वार्ष्णेय, प्रोफेसर वार्ष्णेय वांट्स टू स्पीक समथिंग। हां प्रोफेसर, प्रोफेसर प्रोफेसर, हां डॉक्टर पात्रा एक सेकंड, प्रोफेसर मैं जवाब देता हूं क्योंकि बार-बार ये जवाब पूछा गया है, मैं जवाब देना चाहूंगा। अच्छा अच्छा हां प्रोफेसर रूबिका, देखिए मैं पहले भी बोला हूं और अभी फिर भी रिपीट कर रहा हूं कि जैसे सोनम जी ने बोला, कोई डॉक्टर कैप्टन अमरेंद्र सिंह का कोई स्टेटमेंट, पहली बात तो यूथ कांग्रेस का अध्यक्ष है वो, कोई दूसरा अमरेंद्र राजा करके कोई है, वो यूथ कांग्रेस का अध्यक्ष है सर। अच्छा उसने, वो कैप्टन अमरेंद्र नहीं है, तो वो भी एक बहुत बहुत सॉरी वो भी बहुत डिरोगेटरी कमेंट है टुवर्ड्स द वीमेन पॉलिटिशियन एंड वी मस्ट रिस्पेक्ट द डिग्निटी ऑफ द वीमेन। सिमिलरली जो मोदी जी ने कहा था 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड, वो भी बहुत निंदनीय है, वो डेट ऑल्सो आउटरेजेस द मॉडेस्टी ऑफ ए वीमेन and that too by a leader of a stature of Modi ji, though he was not a prime minister at that time, वो उस समय प्रधानमंत्री नहीं थे। तो इसलिए मेरा ही मानना है, और डॉक्टर पात्रा मेरा आपसे एक अनुरोध है, चाय वाला कहना, किसी को चाय वाला कह देना बुरी बात नहीं है, बशर्ते कि उसका तर्ज ठीक हो, उसकी तर्ज ठीक हो। और राजनीति में जब आप, मैं या रागनी या कोई भी होता है, तो थोड़ी सेंस ऑफ ह्यूमर हम सबको रखनी चाहिए, उसको बहुत बड़ा इशू मत बनाइए। इशू बनाइए भुखमरी, बेरोजगारी, अशिक्षा, शिक्षा का निजीकरण, लोगों को स्वास्थ्य की सुविधा मिल रही है या नहीं मिल रही है, चाय बेच इसको मैं सेंस ऑफ ह्यूमर के साथ देखूं, इन पे बात वाला शब्द भी नहीं है, ये लेफ्ट की सोच है, लेफ्ट तो अपने आप को गरीबों के साथ अलाइन मानती है, खेती बची नहीं बची, लेफ्ट तो अपने आप को गरीबों के साथ अलाइंड मानती है, मैं उसको सेंस ऑफ ह्यूमर के साथ देखूं। कमाल है रूबिका जी, यहाँ लोग बैठ के उसको जस्टिफाई के लिए माफी मांग रहे हैं, ये उसको जस्टिफाई कर रहे हैं। रूबिका जी मुझे मुझे सोनिया गांधी और नेहरू जी पे उत्तर दे दीजिए, मुझसे प्रश्न मांगा गया है। कहां से आ सकता आप राजनीति में, इसमें सेंस ऑफ ह्यूमर कहां से? अच्छा सर एक सेकंड मैं बता दूं आपको, सेंस ऑफ ह्यूमर कैसे आ सकता है? कोई भी बात करे, मोदी माफी मांग ले, सेंस ऑफ ह्यूमर रखोगे नहीं रखोगे? प्रोफेसर साहब इसमें सेंस ऑफ ह्यूमर कहां से आएगा? तू जाके चाय बेच, समस्याओं पे लड़ोगे, तू जाके चाय बेच, सेंस ऑफ ह्यूमर कहां है? डेरोगेटरी नहीं रूबिका, हमें सबसे बड़ा दुख ये है, इनके लिए, इनके लिए तो सबके लिए तो ह्यूमर ही है, गरीब गरीब के साथ मजाक इनके लिए ह्यूमर है, शिक्षा नहीं, गरीबों का तंज कसना, गरीबों के साथ मजाक करना इन लोगों के लिए ह्यूमर बन गया है, ये आज हिंदुस्तान की राजनीति, लेफ्ट और कांग्रेस की असलियत है, ह्यूमर। आप तो अपने आप को गरीबों के साथ अलाइन करते हैं ना, सूट 10 लाख का सूट कहाँ पहन लिया गरीबों? प्रोफेसर साहब आपको, आपके गरीबों को आपके साथ अलाइन मानते हैं ना, आप गरीबों की बात करते हैं और फिर आप बोल रहे हैं सेंस ऑफ ह्यूमर ले लो इसमें, फिर तो आप कहेंगे शशि थरूर का वो जो ट्वीट है चिल्लर के ऊपर, मानुषी चिल्लर पर, आप कहेंगे वो भी ठीक है, वो सेंस ऑफ ह्यूमर ले लेना चाहिए, उसमें महिला की, उसमें महिला को या उसकी अस्मिता को कैसे कोई ठेस पहुंच सकती है? गजब सेंस ऑफ ह्यूमर है आपका, अरे गजब सेंस ऑफ ह्यूमर है प्रोफेसर साहब, नवीद साहब बेईमानी कर रहा है देश की जनता के, बेईमानी, पहले आप सेंस ऑफ ह्यूमर का चैप्टर खोल रहे हैं, अब सेंस ऑफ ह्यूमर पर हमें वो चैप्टर समझ में नहीं आ रहा, आप कह रहे हैं कि बेईमानी हो रही है, वो शशि थरूर तो वर्कर इस तरह के वॉलंटियर नहीं है, आपको नहीं समझ में आएगा रूबिका जी, बिल्कुल सही कहा, आपको नहीं समझ में आएगा क्योंकि आप नोटबंदी पर डिस्कशन नहीं कराए,
क्योंकि आप बेरोजगारी उसका पार्ट, आलोक जी भी थे उसका पार्ट, आपको क्या पता है कितने डिस्कशन किए नोटबंदी पर? आप बैठ के अब आप कहेंगे कि आपको सेंस ऑफ अंडरस्टैंडिंग नहीं है, आपको सेंस ऑफ डिबेट नहीं है, सेंस ऑफ ह्यूमर नहीं है नोटबंदी के? प्लीज प्रोफेसर साहब, प्लीज प्रोफेसर साहब, विरोध भी करते हैं बहुत ज्यादा है, ज्यादा है, कोई सेंस ऑफ ह्यूमर नहीं है, ज्यादा आपको है, कोई सेंस ऑफ ह्यूमर नहीं है। रूबिका प्लीज, रूबिका प्लीज इसको पर्सनल मत लो, इसको व्यक्तिगत मत लो, ये पर ये फैक्ट है कि आप जो है विकास और अविकास पे बात ही नहीं कर रहे हैं। प्लीज थोड़ा सा वक्त दे दीजिए, आप लोगों की बड़ी मेहरबानी, थोड़ा सा वक्त हमको भी दे दीजिए। साथ से दो ही सरनेम्स है, गांधी और नेहरू। मैं बोल, इनके हिसाब से दो ही सरनेम्स हैं। ये जो मेंटालिटी है इट रन्स इन द होल ऑफ कांग्रेस। अभी आपने देखा जो मिस वर्ल्ड बनी है, द वुमन हु हैज वन द वर्ल्ड विद अ ब्यूटी एंड इंटेलिजेंस, दीस गाइस आर मेकिंग फन ऑफ हर सरनेम। उसके सरनेम का ये लोग मजाक उड़ा रहे हैं, इससे बहुत ही क्लियरली पता चलता है कि इनकी मानसिकता किस किस्म की है। इनके हिसाब से आप या नेहरू हो सकते हैं या गांधी हो सकते हैं, उसके एक उसके अलावा आप कुछ भी हो। रागिनी, जब आम आदमी इन ट्वीट्स को देखता है तो जस्ट, अच्छा मुझे ये बताइए, कोई चाय वाला कांग्रेस में अध्यक्ष बन सकता है? कोई चाय वाला महिला विरोधी, कोई चाय वाला, सारे राजपूत भी गद्दार हैं, कोई चाय वाला कांग्रेस में अध्यक्ष बन सकता है? बन सकता है या नहीं बन सकता है? नवेद सिद्दीकी साहब, चलिए शर्त लगाते हैं, बन सकता है कि नहीं बन सकता है? कांग्रेस में कोई चाय वाला अध्यक्ष बन सकता है कि नहीं बन सकता है? देखिए रूबिका जी, सबसे मैं एक चीज कहना चाहता हूं कि आज ये जो ट्वीट चलिए जो था ये गलत है, ये ऐसा नहीं होना चाहिए, मैंने पहले भी कहा। लेकिन बहुत सारे ट्वीट ऐसे हैं, बहुत सारे फेसबुक पे लोग अपनी टाइमलाइन पे डाल रहे हैं, बहुत से यूट्यूब पे हम वीडियोस देख रहे हैं जिसमें भारतीय जनता पार्टी के और दूसरे उनके खास दलों के लोग एक दल को, किसी दल को, विशेष दल को क्या क्या नहीं कह रहे हैं आज की तारीख में। आपने खुद अपने चैनल पे दिखाया है कि किस तरह से कहा जा रहा है कि हमको वोट नहीं दोगे तो तुम्हारा क्या हशर होगा। आपने खुद आज देखा होगा कि एक महिला का बुर्का तक उतरवा लिया गया, नकाब, बुर्का नकाब होती है, पात्रा जी खामोश बैठी है, आप बोल रहे थे, मैं नहीं बोल रहा था, ये बुर्का भी पहुंच गए शक्ल से, ये बुर्का तक पहुंच गए, देखिए ये बुर्का तक पहुंच गए, बिल्कुल पहुंचेंगे, बिल्कुल पहुंचेंगे। किसी को हक नहीं है, तक पहुंच गया तो क्या गलती है? मैं तो बोल रहा हूँ, मैं जवाब देने को तैयार हूँ, उतरवाएंगे। नहीं नहीं, आपको क्या समस्या है? अच्छा, आप बुर्के पे आ गए डिस्कशन, मुस्लिम कौन लोगों का बुर्का उतरवा रहा है भैया? बुर्का कहाँ से आया इस डिबेट के बीच में? प्लीज एक सेकंड आप लोग सुन लीजिए, बुर्का कहाँ से आ गया? कांग्रेस और समाजवादी पार्टी बिना बुर्के की बात नहीं कर रही है। और डॉक्टर पात्रा, आप मेरे डिबेट के टॉपिक को बुर्के में मत डालिए, वो बेपर्दा होगा। आप मुझे ये बताइए पॉलिटिकल डिस्कोर्स ऐसा क्यों है? नवेद साहब रुक जाइए, नवेद साहब जवाब मांगना है ना आपको, हाथ पैर काटने वाले के लिए जवाब मांगना है ना? डॉक्टर पात्रा से मांग लूं, फिर आप कहेंगे आपने सवाल ही नहीं पूछा। डॉक्टर पात्रा, डॉक्टर पात्रा, इनके पास जवाब नहीं है, डॉक्टर पात्रा जवाब है ही नहीं इनके पास। अरे सर, ये ऐसा मैं तीन जवाब, मैं मुझे तीन सवाल पूछे गए हैं, मैं तीनों का जवाब देता हूं। देखिए, किसी का अधिकार किसी का हाथ पांव काटने का नहीं है, नंबर वन। मगर जिस प्रकार कांग्रेस ने कहा तमाम राजपूत कौम गद्दार है, ये उचित शब्द नहीं है। राजपूत हिंदुस्तान का शान है, और कौन है ये कांग्रेस पार्टी राजपूतों को गाली देने वाली? कौन है? मैं गुजरात के राजपूतों को कहूंगा जवाब दीजिए कांग्रेस पार्टी को। आपको गद्दार कहा गया, आपको राजपूतों, आपको कहा गया कि आप जाके ब्रिटिशर के सामने घुटने टेकते हैं, ये हिम्मत कैसे हो गई कांग्रेसियों को कि राजपूतों को इस प्रकार गाली देने का? आप अरे